अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जरा अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं जो हम लोगों ने आई थिंक लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया था। ठीक है, हम जरा वही पढ़ना शुरू करेंगे अब यहाँ पे चैप्टर के बारे में। बुक्स हैं तो अच्छी बात है, तुम लोग बुक्स से रीड कर लेना, लेकिन फिक्र नहीं करो अगर बुक्स नहीं भी हैं तो बेटा मैं आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन से पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप लोग उसकी फिक्र नहीं करो अगर बुक नहीं भी है तो। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे थे अपना, एक मिनट रुको, पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। सही, हाँ नहीं बेटा, जरा मुझे बताओ उन लोगों ने कहाँ तक पढ़ा है, पेज में बताओ। हेलो, 45 पेज 45 पर पहुंचे हम लोग। अच्छा एक मिनट रुको, 45 पे कहाँ से पढ़ना है बताओ जरा मुझे। ये फर्स्ट पैराग्राफ हमने एंड किया था बस। मतलब सीपीआर पाकिस्तान, मार्क्स मतलब हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ इट्स न्यू लाइफ, यहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने या यहाँ। अच्छा तो बेटा आप जरा मेरे बच्चों जरा सारे के सारे ध्यान रखो, हम लोग जरा रीड करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हानिया बेटा कहाँ से रीड करोगे, बुक से पढ़ोगे या फिर मतलब क्या यहाँ से पढ़ोगे, स्क्रीन से पढ़ोगे। चलो सर बुक्स। ठीक है मेरा बच्चा रीड। और हानिया बेटा आपकी आवाज़ थोड़ी सी हल्की आ रही है, ज़रा कोशिश करो थोड़ा सा लाउड बोलो। ठीक है, आप ज़रा पढ़ना शुरू करो। शाबाश। Till 3 years ago, Pakistan was only an ideal and a longing. In South Asia, where present-day Bharat and Pakistan were situated and where the British held way, there lived 100 million Muslims who for centuries and made this part of the world their homeland. They lived side by side with 300 million other, mostly Hindus who had come to this continent in an earlier era. As the day of freedom for these 400 million people drew near, it became increasingly obvious that at the end of the British rule, the 100 million Muslims would have to live their new life as a perpetual political minority. Long experience and the history of several centuries had taught them that under a dominating majority of 3-1, freedom from British rule would mean to the Muslims not freedom but merely a change of masters. बस ठीक है, रुक जाओ। अब मेरे बच्चों यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अगर हम बात करें मुस्लिम्स की, तो कह रहे हैं भाई मुस्लिम्स के बारे में हमारे पास ये बात बताई जा रही है कि 3 साल पहले, क्योंकि मेरे बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो स्पीच कर रहे थे लियाकत अली खान, ये कर रहे थे 1950 में। ठीक है, कब कर रहे थे हमारे पास, 1950 में। और अभी ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अभी तक बने में 3 साल नहीं हुए हैं, दैट मीन्स कि पाकिस्तान अभी मतलब के 3 साल होना बाकी थे। और क्या हुआ, कह रहे हैं कि अगर इससे पहले की हम बात करें, जो हमारे पास आज़ादी से पहले की सूरत हाल थी, तो सब कॉन्टिनेंट बर्रे सगीर में लोगों की तादाद क्या थी, इट वॉज अराउंड 100 मिलियन। 100 मिलियन का मेरे बच्चों मतलब होता है 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ बोलते हैं, मतलब वो अगर आप कैलकुलेट करना चाहो आप कर सकते हो, 1 मिलियन होते हैं 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन 10 लाख, तो अगर आप खुद कैलकुलेट करोगे तो 100 मिलियन बन जाएंगे 10 करोड़ मुसलमान। और सिमिलरली इसके आगे बोल रहे हैं हमारे पास क्या, कि अगर हम मुसलमानों के अलावा हट के बात करें जो दूसरे मजाहब के लोग थे, मतलब उनके बारे में बताया जा रहा है कि दे वर अराउंड 300 मिलियंस, मतलब कि तकरीबन उन लोगों की तादाद थी 30 करोड़। 30 करोड़ तादाद थी। ठीक है, लेकिन आगे से उन्होंने ये बात कह दी कि भाई अगर उनकी मेजोरिटी देखी जाए ना, जो अदर से मतलब मुस्लिम से हट के थे, तो 30 करोड़ में जो अक्सरियत थी वो थी हिंदूज की। अब बोल रहे हैं कि ये भाई एक अरसा अपने साथ गुजार के आए थे, और इस जगह पे मतलब कि वो गुजारते हुए आ रहे थे, गुलामी की हालत में रहते हुए आ रहे थे। इस जगह पर मुसलमानों ने हिंदुओं ने दोनों ने क्या किया, साथ साथ टाइम गुजारा है। लेकिन अब कह रहे हैं कि भाई अगर इनकी आज़ादी की बात आई, अब ये मतलब बड़ा मतलब बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि करना किस तरह से, कि इनको आज़ादी दी किस तरह से या क्या करना है यहाँ पर। मेरे बच्चों आपको पता है यहाँ पर, जैसे कि आपने एक नाम भी सुना होगा एक शख्स का जो कि है हमारे पास लॉर्ड माउंटबेटन का। लॉर्ड माउंटबेटन, जब जवाद, आई थिंक जवाद मेरा बच्चा आपको कुछ, अच्छा ही है, अच्छा आपने बाय मिस्टेक किया था। ठीक है, अब क्या हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन जब यहाँ पर आखिरी आए थे ना, तो उन्होंने बताऊँ क्या किया था, उन्होंने उनको ये ड्यूटी दे के भेजा गया था, ये जिम्मेदारी दे के भेजा गया था कि भाई आप जाएं और आप मामला तो खुद डील करके आइएगा, आपने तमाम मामला को देखना है। मतलब ब्रिटेन ये तो डिसाइड कर चुका था कि आज़ादी देनी है, कि हिंदुओं को मुसलमानों को आज़ादी देनी है, लेकिन आज़ादी देनी कैसे है ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था।
क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ये था, ब्रिटिश ये चाह रहे थे कि हमारे जाने के बाद यहाँ पर वो हुकूमत करे जो तादाद में ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से तो शुरू हुई भाई। कैसे? क्योंकि आप सब जानते हो, हमने अभी डिस्कस किया कि 100 मिलियन मुस्लिम्स हैं और 300 की अक्सरियत की बात की जाए तो वो हिंदूज हैं। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आप वोटिंग भी करवाते, अगर कोई पॉलिटिकल लीडर खड़ा भी होता, ये एक ही मुल्क होता, तो हम जानते हैं कि लाजमी कौन जीतता? हिंदू ही जीतते, ऑब्वियस सी बात है। हम हिंदू मजहब के अगेंस्ट बात नहीं कर रहे, लेकिन बेटा सच है ना, अगर एक जगह पर 400 लोग हों, आप वोटिंग करवा रहे हो, 300 बंदा एक जगह पे वोट करते हैं, जाहिर सी बात है उसी की हुकूमत आएगी भाई, क्यों नहीं आएगी उसकी? बात दरअसल सारी की सारी ये है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई, जो लियाकत अली खान बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर आप लोग ये कर देते, जो कि नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान अलग मुल्क बना और इंडिया अलग मुल्क बना, तो बोलने के अगर आप ये कर देते, कह रहे हिंदुओं को तो आजादी मिल जाती, लेकिन भाई मुसलमानों के लिए क्या होता? मुसलमानों के लिए सिर्फ ये होता कि एक की गुलामी से निकलते और दूसरे की गुलामी में आ जाते, हम तो इस तरह आजाद ही नहीं होते। ये सारे के सारे पॉइंट्स मेरे बच्चों में आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, ये लियाकत अली खान की स्पीच है, इतना जहन में रखना। अब ये सारे पॉइंट्स ये रिपीट कर रहे हैं अंग्रेजों के सामने जाके, अपनी डिमांड को जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई हमने अगर अपने अलग मुल्क का तकाजा किया था, अपने अलग मुल्क जो हमने डिमांड करी थी उसकी लॉजिक है, उसका रीजन है, हमने बिला वजह ऐसे ही नहीं कर दिया था कि हमें मुल्क दो मुल्क दो मुल्क दो, नहीं, बल्कि लॉजिक है भाई, हमारे पास रीजन है उस चीज का, ठीक है। और बोल रहे हैं कि इसी तरह से कहा कि हम लोग, वो लोग भाई मेजोरिटी में थे, हम माइनॉरिटी में थे, तो हमें तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं इस तरह से। बट लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या लिखे हैं हमारे पास, क्या गए, ठीक है। हाँ बेटा, हानिया बेटा, ये वाला पैराग्राफ भी रीड करो, फिर मैं किसी और से पढ़ाऊंगा, आप पढ़ो ये वाला। It was not merely a question of religious differences, as that faith is generally understood. It was not that whereas the Muslims were monotheists, the Hindus were polytheists, or that the Muslims believed in the Prophet of Arabia and in Christ and the Prophet of the Old Testament, whereas the Hindus did not. The differences were even more pervasive than this and created the maladjustment between the two people in almost every situation of their daily life. The Hindus believe in the caste system, which made it a sign for those at the top of the hierarchy एक to मिनट रुको, eat. इससे एक मिनट रुको, इससे पढ़ते हैं हायरार्की, क्या पढ़ते हैं हायरार्की, पढ़ो। Hierarchy to eat with the so-called lower human beings, or in some cases even to touch them. The Muslims believe in the equality or in the equality of men, regarding even this thought as unnecessary and a negation of the bond which exists between God and each of his creatures. Their economic outlook were also very different. The Muslims believe in the right of private ownership for everyone, whether man or woman, and had loss of inheritance and economic situations which, unlike those of the Hindus, were designed to promote the distribution of wealth and discourage vast unearned accumulation. अब मेरे बच्चों यहाँ से आपको हम जरा पॉइंट समझाना शुरू करेंगे, लेकिन ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, ये समझ लो कि आपके पास क्या बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाई कि बेसिकली व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज। ये लियाकत अली खान अपना पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर जो लियाकत अली खान यहाँ पर पेश कर रहे हैं, पहले हम उसकी बात करते हैं। लेकिन लियाकत अली खान के बारे में बात करने से पहले मेरे बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि हाँ भाई ये कोई एक अगर आप बताना चाहोगे डिफरेंस, तो आप क्या बताना चाहोगे मुस्लिम्स के और हिंदूज में, क्या बताना चाहोगे डिफरेंस? अगर किसी को आंसर पता है तो हैंड रेस कर लो, मैं वन बाय वन पूछ लूंगा। शाबाश, जल्दी जल्दी सारे के सारे, बेटा कोई पीछे ना रहे, पहले बोल रहा हूँ बेटा, सबके सब एक्टिव रहो के बैठो, बताओ किसी को भी अगर डिफरेंस बता दो, माइक पर आ जाओ, हैंड रेस कर लो, मैं जरा माइक तुम लोगों को ऑन कर दूंगा। हाँ भाई अबराज, नहीं बता क्या? बसबल, दाऊद, चलो भाई चैट पे मैसेज आया, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अबराज, अबराज माशाल्लाह बेटा क्या बात कर रही, कल्चर और लैंग्वेज, अरे भाई तो एक एक एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बोला, अल्लाह के बंदे क्या हो गया। चलो हम जरा खुद सेलेक्ट करते हैं भाई, देखते हैं कौन बताता है हमको।
अच्छा सैयदा मरियम, मेरा बच्चा जरा आप माइक पर आओ, आप बताओ आपके ख्याल से आप अपने जहन के मुताबिक क्या पॉइंट बता सकते हो, जरा आप बताओ पहले। मरियम माइक पर आओ बेटा जल्दी। मरियम मेरा बच्चा कहाँ गए, कहाँ सुस्त होके बैठे हो तुम लोग सारे के सारे, जल्दी माइक पर आओ। क्यों वहां पर क्यों नहीं बोल सकती भाई, वहां पर क्या होगा? मैं चैट भी देख रहा हूँ मरियम, इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा बच्चा वहां क्यों नहीं बोल सकती? अच्छा चलो ठीक है तुम यहाँ बताओ। अच्छा बाकी हम किसी और से पूछते हैं मेरे बच्चे, जब तक मरियम का आ गया, रिदा मौजूद है, मुजाहिद 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 मेरा बच्चा माइक पर आओ जरा, तुम माइक ऑन करो बेटा अपना। मुजाहिद जी सर, ऑन कर। हाँ करते हैं, हाँ आवाज आ रही है, आवाज, एक मिनट को, एक मिनट को, दोबारा माइक ऑन करो बेटा, शाबाश माइक ऑन करो। मुजाहिद तुम्हारी अभी आवाज आई थी बेटा, दोबारा ऑन करो। मुजाहिद अच्छा अच्छा कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। चलो भाई एक और भी आ गए, सारे माशाल्लाह आते जा रहे हैं, सारे बच्चे आ गए पता नहीं शायद। चलो एक मिनट को हम किसी और से पूछते हैं, मुजाहिद का शायद माइक का मसला और है, चलो देखते हैं कहाँ गए हमारे पास। रिदा आप आओ जरा माइक पर। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग मुझे बताओ आपकी क्या नॉलेज है भाई, कि क्या डिफरेंस है तो मुसलमानों एक मुसलमानों में हिंदुओं में क्या डिफरेंस है, फिर हम जो लियाकत अली खान बता रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले आप लोग बताओ, अगर किसी को आंसर पता है वो माइक पे आने में घबरा रहा है भाई तो मसला नहीं है, चैट पे आके बोलो, पढ़ना तो है ना, चैट पे रिप्लाई करो फिर, अगर नहीं बोलना चाह रहे तो मुझे रिप्लाई तो करो सारे के सारे, इतने सारे बच्चे क्लास में मौजूद हो यार तुम लोग, सबको बोल रहा हूँ मैं। मरियम तुम भी जवाब दो, मुस्तफा शाह हसन बेटा साद रिदा सारे जवाब दो। मनाहिल आप जरा माइक पर आइए, मनाहिल यस हाँ आप बताइए आपके ख्याल से आप क्या बोलेंगे, क्या मतलब कि यस मुसलमानों में हिंदुओं सर, में, आप बताइए आपके ख्याल से मुसलमानों में हिंदुओं में क्या डिफरेंस है, अगर आपको डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाए आप क्या बोलेंगे? यहाँ वे ऑफ लिविंग डिफरेंट है, लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं, और रहन सहन डिफरेंट है, खाना ठीक है, अगर कोई एक, पीना डिफरेंट है। अच्छा अगर एक कोई पर्टिकुलर एक एक जैसे कि मुजाहिद, अगर कोई एक बताओ, कोई एक बताओगे तो क्या बोलोगे आप? वैसे तो मैं जानता हूँ बहुत बड़ा डिफरेंस है, मजहब का डिफरेंस है, जैसे कि ठीक है कोई एक बताओ जो आपकी नॉलेज में। रहन सहन लिविंग। चलो सही है ठीक है। अच्छा भाई देखो बहुत सारे बच्चों का मतलब हमारे पास मैसेज आया है, जैसे कि मुजाहिद ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट किए, सर कल्चर अलग है और मजहब भी है बहुत अलग है, डिफरेंस तो बहुत सारे हैं। दाऊद ने कहा है सर खाने पीने में डिफरेंस है, और अबराज ने कहा है सर मजहब में, जो अबराज ने बहुत अच्छा पॉइंट किया कि सर हम एक खुदा के मानने वाले हैं वो मल्टीपल खुदाओं को मानते हैं, बिल्कुल। अच्छा मरियम कह रही है कि सर कल्चर का बहुत बड़ा डिफरेंस है, कि मतलब कि वहाँ पर मेजोरिटी वगैरह में उनके मुसलमान कम थे तो उन्हीं का कल्चर हावी आया, बिल्कुल। और सादिया ने भी कहा कि सर हम एक अल्लाह की बात करते हैं, वो लोग उनके मल्टीपल होते हैं। अब जरा मेरे बच्चों अच्छा खाने पीने में बोलने के मतलब के खाने पीने की जो चीजें हैं वो अलग हैं ऑब्वियसली बात है, लेकिन चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा, हाँ राइट बिल्कुल शाह बेटा बहुत जबरदस्त आंसर आपने कहा कि बेसिक राइट्स का, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ जरा सुनो। अब बोल रहे हैं, अब लियाकत अली खान क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं भाई एक बात तो ये कि अगर मैं आपको पहले से बताता चलूँ, जो अंग्रेजों के सामने स्पीच कर रहे थे वो क्या बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि भाई देखो आपको ये बात समझनी चाहिए कि मुसलमानों में हिंदुओं में बहुत डिफरेंस है, और डिफरेंस सिर्फ ये नहीं है कि वो लोग मल्टीपल खुदाओं की बात करते हैं। देखो भाई यहाँ पर क्या लिखा है मेरे बच्चों, अगर आप बुक में देखो, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखो क्या लिखा हुआ है, हिंदूज वर पॉलीथियस्ट, मतलब के पॉलीथियस्ट उसे बोलते हैं जो एक से ज्यादा खुदाओं की इबादत करे, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास जो एक और वर्ड ये लिखा हुआ है कि मुस्लिम्स के बारे में क्या लिखा है, मुस्लिम्स वर मोनोथियस्ट, मतलब वो एक की इबादत करने वाले थे। तो यहाँ पर वो यही बताना चाह रहे हैं कि भाई ये फर्क नहीं है, इस वजह से नहीं बोल रहे हम, ठीक है, इस बात को उन्होंने पहले से ही क्लियर कर दिया। कह रहे हैं इसके अलावा बहुत सारे फर्क हैं, अब बहुत सारे फर्क को उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही, जैसे कि क्या कोई मुझे बता सकता है
कि अगर मजहब के मामले में बात की जाए, मजहब की जो नॉलेज वगैरह की बात की जाए, क्या कोई मुझे बताएगा कि इस्लाम सबसे ज्यादा करीब करीब किस मजहब से है? फर्क तो होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस्लाम सबसे ज्यादा करीब करीब किस मजहब से है? सबके सब चैट पे रहो, चैट पे मुझे, हाँ चैट पे मुझे आंसर चाहिए, चैट पे मुझे आंसर दो सब बच्चे। 3 बच्चों के आंसर आए भाई, बाकी भी सारे के साथ हो। बिल्कुल, शाबाश शाबाश, गुड गुड, हाँ मुजाहिद बेटा शाबाश, जबरदस्त बनाने में। अच्छा भाई सुनो, अगर जैसे कि तुम लोग ना एक लफ्ज सुन लो, एक लफ्ज सुन लो, देखो जैसे कि इस्लाम को मानने, इस्लाम का जो मानने वाला होता है उसे बोलते हैं मुस्लिम, ठीक है? तो अगर हम उर्दू में बोलेंगे, अगर इस उर्दू में बोलते हैं तो उर्दू में उन्हें बोलता है ईसाइयत, और उसके फॉलो करने वाले को बोलते हैं ईसाई। इंग्लिश में तुम लोगों में से किसी ने लिखा है, कुछ कुछ ने लिखा है क्रिश्चियन, लेकिन क्रिश्चियन उसके फॉलो करने वाले को बोलते हैं, मजहब का नाम है क्रिश्चियनिटी, ठीक है? जैसे कि इस्लाम मुस्लिम, तो क्रिश्चियनिटी क्या है, क्या क्या निकला हमारे पास, ये हमारे पास निकला है क्रिश्चियन। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये नाम कैसे पड़ा इस मजहब का? ये मैं आपको अलग से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये नाम कैसे पड़ा, या ईसाइयत नाम कैसे पड़ा मजहब का? क्या कोई मुझे बता सकता है, किसी के पास जवाब है इस बात का? उर्दू में हम बोलते हैं ईसाइयत और इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या, क्रिश्चियनिटी। नाम कैसे पड़ा भाई, कोई बताएगा मुझे? जवाब शाबाश बेटा, जबरदस्त आंसर, बहुत जबरदस्त, गुड। किसी को पता है और कोई आंसर देगा मुझको? हाँ अबराज बेटा शाबाश, बिल्कुल, क्योंकि वो ये बोलते हैं बिल्कुल 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 बिल्कुल, शाबाश। देखो भाई उर्दू में हम चलो मैं तुम लोगों को बता, अगर जवाब नहीं बता दो मुझे बता दिया करो ताकि मैं बताऊं। देखो भाई आप लोग जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, हम उर्दू में बोलते हैं ईसाइयत। ईसाइयत नाम कैसे पड़ा, हम जानते हैं कि जो क्रिश्चियंस हैं वो क्या बोलते हैं, हजरत ईसा अलैहि सलाम, ईसा 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 अलैहि सलाम को वो बोलते हैं खुदा का बेटा। तो ये जो ईसा है ना, हम जानते हैं कि हमारे नबी का नाम है, हमारे रसूल का नाम है, तो उनको फॉलो करने को जो ये मानते हैं ना इस मजहब को, उससे लफ्ज निकला है ईसाइयत, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? अब हमारे पास और भी बच्चों ने कुछ जवाब दिया। अगर इंग्लिश की बात की जाए, बोले कि सर इंग्लिश में अगर आप बात करें तो इंग्लिश में हम उन्हें क्रिश्चियन, क्रिश्चियन क्यों बोलते हैं, क्योंकि अंग्रेज जो हैं हजरत ईसा अलैहि सलाम को इंग्लिश में बोलते हैं जीसस क्राइस्ट। क्या बोलते हैं? जीसस क्राइस्ट, ठीक है भाई? तो जीसस क्राइस्ट क्योंकि वो लोग बोलते हैं, लिहाजा उससे नाम क्या निकल गया, क्रिश्चियनिटी का। बात समझे? अब चलो तुम लोगों को मैं एक बात बताऊँ, एक मजे की बात बताओ तुम लोगों को। हमारे पास आपको पता है, चलो वो लोग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, लेकिन जो हमारे 4 बड़े अंबिया कराम हम जो मानते हैं, मूसा अलैहि सलाम, दाऊद अलैहि सलाम, ईसा अलैहि सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना? आप क्या, आपको पता है वो मूसा अलैहि सलाम को मानते हैं, मूसा को बोलते हैं मोसेस, दाऊद अलैहि सलाम को ही मानते हैं, दाऊद अलैहि सलाम को बोलते हैं डेविड, आदम अलैहि सलाम को ही मानते हैं, अम्मा हवा को भी मानते हैं, और इसके अलावा बहुत भी है, इब्राहिम अलैहि सलाम को मानते हैं, इस्माइल अलैहि सलाम को मानते हैं, नूह अलैहि सलाम को मानते हैं वो लोग। मतलब उनके अगर आप मजहब का थोड़ा मुताला करो ना, तो आपको आइडिया हो कि हाँ भाई वो मानते हैं। हाँ इख्तलाफ है, बिल्कुल अलग मजहब है, वो एक अलग बात है, ठीक है? इवन क्या आपको पता है, वो बाकायदा जो 4 बड़े फरिश्ते हैं ना, उनको भी वो मानते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, जिब्रील अलैहि सलाम को बोलते हैं गेब्रियल, मिकाइल अलैहि सलाम को बोलते हैं माइकल, इसराफील अलैहि सलाम को बोलते हैं रफायल, और इजराइल अलैहि सलाम को बोलते हैं एज़रियल। मतलब उनके नाम रखे हैं भाई उन्होंने बाकायदा भाई, ठीक है? ये बाकायदा नाम लिखे हुए। अब वो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं भाई जैसे कि अब यहाँ पर लियाकत अली खान बोल रहे हैं कि भाई हमारे और मतलब के जो हम लोग मानते हैं, क्रिश्चियंस मानते हैं, प्रॉफिट्स को मानते हैं, अंबिया कराम को मानते हैं, लेकिन वही बात, अगर आप लोगों को हिंदुओं के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो तो मुझे बताओ, क्या कभी तुम लोगों ने सुना हिंदुओं के मजहब में किसी किस्म का कोई प्रॉफिट, खुदा की बात नहीं कर रहे हम, बात कर रहे हैं क्या कभी वहां पर प्रॉफिट का जिक्र सुना उन लोगों में, आप लोगों ने एक मरतबा सुनाओ? नहीं सुना, ठीक है? जैसे कि हर किसी का मैसेज आ रहा है हमारे पास कि नहीं सर मतलब कि हमने तो मतलब वहां पर नहीं सुना, क्योंकि वो मानते ही नहीं है उनका। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी नबी का जिक्र करें, किसी प्रॉफिट का जिक्र करें, ठीक है? कह रहे हैं कि अब ये बात अलग आ गई, क्योंकि अच्छा एक बात बताऊं क्या,
मैं अक्सर बोलता हूँ अपने बच्चों को, बेटा कभी किसी मजहब का मजाक नहीं उड़ाओ, क्योंकि कुरान मजीद में क्या लिखा हुआ है कि भाई कभी किसी के खुदाओं को बुरा मत कहो, कहीं ऐसा ना हो क्या कहते हैं, कहीं ऐसा मत कहो कि मतलब कि वो जहालत से आगे निकल के तुम्हारे रब को बुरा ना कह रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा है कि सर आदम अलैहि सलाम को क्या क्या कहते हैं, बेटा वो बोलते हैं एडम, ADAM, एडम बोलते हैं वो लोग, ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं वो लोग इस चीज को। अच्छा अब देखो मेरे बच्चों एक बात बताओ, आप लोगों ने सुना होगा ना कि जैसे कि हम कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से तकरीबन तकरीबन 1,24,000 पैगंबर आए, ऐसा ही है ना, तकरीबन 1,24,000 पैगंबर तकरीबन अल्लाह पाक ने भेजे अंदाजन। तो हम जानते हैं कि अल्लाह पाक ने अपने बंदों को, अपने इन अंबिया कराम को मुआजजात भी अता किए, ठीक है, कि भाई मतलब कि वो इस तरह से जैसे कि हजरत मूसा अलैहि सलाम को मतलब एक मूसा अलैहि सलाम के लिए खास तौर पे एक मतलब कि असा था, ठीक है, असा जो अज्जा बनता था वो बनता अल्लाह के हुक्म से ही था, लेकिन वो चीज मूसा अलैहि सलाम को दी गई थी, ठीक है, बनता अल्लाह के हुक्म से था, ठीक है ना, अगर वो जैसे कि असा फेंकते थे तो उसको अज्जा बनाने वाला अल्लाह पाक की ही जात थी, लेकिन मूसा अलैहि सलाम को दी भी थी। अब मैं एक बात आप लोगों से पूछता हूँ, आप खुद बताओ बेटा क्या ये मुमकिन नहीं है कि क्या पता ये लोग जो जैसे कि जिनको ये खुदा मानते हैं, जिनको आप बहुत आप जानते हो कि ये खुदा वगैरह मानते हैं, जैसे कि काली माता, कृष्णा, पता नहीं कौन कौन से इनके इस तरह के हैं, मैं कहता हूँ कि इट्स पॉसिबल कि क्या पता ये हमारे अंबिया कराम ही शायद आए हों उस दौर में, जिन्होंने इनको इस्लाम की तरफ लाने की कोशिश की हो, लेकिन उनके साथ क्या लोगों ने क्या किया, लोगों ने उनको खुदा बना डाला, क्या पता, पॉसिबल है ना। तो भाई किसी को बुरा मत कहो, उन्होंने तो नहीं कहा होगा ना कि हमारी बात करो, हमें पूछना शुरू कर दो, क्या पता उनको इस तरह के मुआजजात दिए हों, क्या पता उनको मतलब इस तरह के मुआजजात दिए हों और उसके बावजूद उनको मतलब कोई मतलब कि कोई बोलने का तुक ही नहीं बनता। इसके साथ 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 बेटा आप क्लियर आ रही है आवाज मेरे बच्चों, जरा बाकी सारे के सारे जो बच्चे मौजूद हैं, क्या आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है, जरा जल्दी से बता दो, यस नो में बोल दो ताकि मुझे क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई कम से कम मेरी तरफ से इश्यू नहीं आ रहा, बस ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है सही, बस सही है वो, मेरा शायद मेरे ख्याल थोड़ा बहुत नेट का थोड़ा इश्यू होगा, लेकिन मसला नहीं, बता दिया करो, ठीक है। अब जरा सुनो भाई, एक तो उन्होंने प्रॉफिट से जिक्र किया कि भाई मुसलमान मानते हैं और क्रिश्चियन तो मानते नहीं, और फिर क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं भाई उनका रहन सहन डेली लाइफ का अलग, हमारा डेली लाइफ का अलग। जैसे कि मेरे बच्चों आप लोगों को पता है कि जो हिंदू हैं वो मानते हैं कास्ट सिस्टम पर, उनकी कास्ट है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि हिंदुओं में टॉप की कास्ट कौन सी होती है, कोई जवाब देगा मुझे इस बात का, बिल्कुल ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब तुम्हारे मतलब तुम लोग समझ गए बात, और क्या मुझे बताएगा कोई सबसे जो लोअर तबका है उन्हें क्या बोलते हैं, शाबाश, ठीक है, ब्राह्मण होते हैं टॉप की जात और सबसे लोअर तबका होता है शूदर, या अगर आप चाहो तो उन्हें आप बोल सकते हो अछूत, दोबारा सुन लो क्या बोलते हैं, अछूत बोलते हैं या शूदर बोलते हैं, दोनों सही है। आपको पता है कास्ट सिस्टम इनमें ऐसा है जिसकी हद नहीं, मतलब अभी तक आप जाओ तो आपको चीज वहां पर देखने को मतलब मिलेगी वहां पर, कि वहां पर क्या करते हैं भाई कि जो अछूत जात के होते हैं, शूदर जात के होते हैं, उनको मतलब कि समझते हैं कोई गए गुजरे घटिया लोग हैं, वो लोग उनके बारे में ये सोच होती है, मतलब वो कचरा उठा उनको उठाने में लगा देंगे, गटर साफ करने में लगा देंगे, जो इस तरह के काम होंगे ना सारे काम उनसे करवाएंगे, और इवन कि ये होता है कि अगर कोई आसपास से गुजर या इस तरह का इंसान तो बोलते हैं भाई क्या कह, नहीं नहीं ऐसा गंदगी ये वो कर करा के, लेकिन हम देखो अगर हम बात करें मुसलमानों की, भाई मुसलमानों में हमारे पास क्या है, इकबाल का क्या प्यारा शेर है भाई, आप जानते हो कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, ठीक है, मतलब कि अगर एक कंपनी का
गार्ड भी नमाज पढ़ा रहा हो, जमात करा रहा हो, तो कंपनी का सेठ भी उसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेगा। कोई आगे ऐसे विषय नहीं होता, भाई नहीं हम तो नहीं पढ़ रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, बिल्कुल होता है। हाँ एक बात है, कास्ट सिस्टम तो नहीं है और ना ही इसको कास्ट सिस्टम कहेंगे, लेकिन एक खानदान है जिसको अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, अल्लाह पाक ने इसको अलग से इज्जत दी है, और वो कौन है भाई? सैयद। आप जानते हो अहले बैत का मतलब खानदान जो है, उन्हें अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, लेकिन सैयदों को भी भाई अल्लाह उनका, अगर वो सैयद कोई है ना, तो उस शख्स का अपना कोई टैलेंट नहीं है सैयद होने में, वो अल्लाह पाक ने उसको इस पर्टिकुलर खानदान ने पैदा कर दिया, उस शख्स का अपना कोई हुनर नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है। और अगर कोई बोलते ना अरे भाई हम तो सैयद हैं, हम तो सैयद हैं, तो भाई उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, अगर अपने सैयद होने में गुरूर कर रहा है। क्योंकि एक बात याद रखना हमेशा, हर इंसान अपने आमाल के मुताबिक आगे जाएगा। इसकी दो बहुत बड़ी हमारे पास वजाहतें मौजूद हैं, एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। एक मिनट को मुस्तफा बेटा, आपको आवाज सही आ रही है? मुस्तफा बेटा आपको आवाज सही आ रही है? नहीं आ रही है, एक मिनट को। अरे नहीं नहीं भाई, अरे मेरा बच्चा यहाँ से मेरी तरफ से आवाज आ रही है, मैं तो बोल रहा हूँ, आप यहाँ मस्त, यहाँ मस्ता नहीं हो रहा मेरी तरफ से। मुजाहिद मेरा बच्चा यहाँ से मतलब कि मेरी तरफ से तो आवाज जा रही है क्लियर, मैं देख भी रहा हूँ, नोट भी कर रहा हूँ, मैंने बंद थोड़ी करी हुई, मेरा बच्चा सबको आवाज जा रही है। ठीक है जरा चेक करो, हैंडफ्री वाला निकाल के देखो। मुजाहिद मेरा बच्चा आपको तो आवाज आ रही है ना, है ना? बस सही है, इसका मतलब मेरा बच्चा मेरी तरफ से तो मसला नहीं है ना, मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा मेरा बच्चा सुनो, लेकिन अच्छा मैं आपको क्या बोल रहा था कि कोई सैयद सैयद होने पे गरूर करे तो उसकी बेवकूफी है, क्योंकि हर इंसान अपने अमाल के मुताबिक जाएगा। इसकी मिसाल क्या है कि एक मतलब क्या फरमाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं क्या कर देता? हाँ भाई क्या कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? क्या फरमाया था कि अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं क्या कर देता? मुझे बताओ भाई क्या कहा था? हाँ शाबाश, एग्जैक्टली के हाथ काट देता, हाथ कटवा देता, मतलब वही पनिशमेंट देता। मतलब के अगर कोई नबी की औलाद, जो यार आप सोचो डायरेक्ट औलाद हजरत फातिमा, सैयद तो चलो फिर अहले बैत खानदान जो कंटिन्यू हुआ उनकी बात करते, और हाँ इज्जत है इनकी, बिल्कुल इज्जत करनी भी चाहिए क्योंकि अल्लाह पाक ने, क्योंकि अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, ठीक है ना? तो एक अलग बात है। चलो एक और मिसाल दूं, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप देखो डायरेक्ट बेटी हैं, लेकिन उनके बारे में भी ये फरमा रहे हैं कि इंसाफ अल्लाह का हर जगह हुआ। एक और मिसाल जो कुरान मजीद में मौजूद है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, याद आया कुछ? कुरान मजीद का अगर तर्जुमा तुम लोगों ने पढ़ा हो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी कश्ती बनाई थी, अल्लाह पाक ने उनको इन्फॉर्म किया था भाई कि बस दुनिया डूब जाएगी तकरीबन, और पानी बारिश बरस रही, पता नहीं पानी कहाँ कहाँ जमीन से निकला, हवा ऊपर आसमान से आया, कहाँ से आया। और उन्होंने कहा अपने बेटे को, बेटा कश्ती में आ जाओ। बेटे ने क्या किया बताओ जरा, कोई बताएगा मुझको? वो भी तो नूह अलैहि सलाम की नबी के औलाद है ना भाई, उन्होंने क्या किया था बताओ 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 बताओ, शाबाश। हाँ हानिया ने बिल्कुल सही कहा, सादिया ने भी सही कहा, ताहिर ने अलग दिया, बिल्कुल मुजाहिद बेटा शाबाश, सही जवाब दिया आपने भी। हाँ बिल्कुल कश्ती में सवार नहीं हो गया था, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरे बच्चों क्या हुआ था, सीन कुछ ये था कि उसने मना कर दिया था और उल्टा वो पहाड़ पे चढ़ गया था, पहाड़ पे चढ़ गया और कहने लगा यहाँ कहाँ से पानी आएगा, ठीक है? लेकिन क्या हुआ वहां पर भी, मतलब वो जब कश्ती अल्लाह पाक ने जब पानी बरसाया तो वो जब डूबने लगा, अल्लाह पता, आप सोचो अल्लाह का गजब देखो, पहाड़ पर चढ़ा हुआ है वो, पानी अल्लाह पाक ने कहाँ से निकाला होगा इतना कि पहाड़ी डूब रही है भाई। अल्लाह का गजब देखो, अल्लाह का अजाब देखो कि क्या खतरनाक किस्म का। नूह अलैहि सलाम ने दोबारा कहा भी था, मतलब कि अल्लाह से दुआ भी करी थी बचा दे, अल्लाह पाक ने उसको उसकी बख्शिश दी, उसको मतलब उसको छूट नहीं दी, उसकी पकड़ कर ली थी। मतलब कि नबी की औलाद होने का मतलब ये नहीं कि आपको कोई एक्स्ट्रा चीजें मिल रही हैं, आपको इज्जत मिल रही है वो अलग बात है, बिल्कुल अलग बात है, लेकिन जाएगा इंसान अपने आमाल से।
अरे भाई हमारे अपने भी तो सही दोस्त होते हैं ना, साथ बैठते हैं, उठते बैठते हैं, खाते हैं, पीते, सारे काम करते हैं। उनमें तो कोई कुछ नहीं करता ना कि नहीं हम तो सही है भाई, दूर रहो हमसे, ऐसा कोई करने वाला नहीं होता उनके पास, समझ रहे हो ये बात है। और फिर क्या बोल रहे हैं कि भाई मर्द और औरत को प्रॉपर प्रॉपर हकूक दिए गए हैं, किस किस तरह के हकूक दिए गए हैं। अच्छा एक बात जरा मैं बताना चाहूंगा, तुम लोग जरा मेरी ये बात समझो, ठीक है। इस्लाम में मर्दों औरतों को दोनों को हकूक दिए गए हैं, यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि बात की जाएगी ना कि मुस्लिम मैन एंड वुमेन के राइट को, तो मेरे बच्चों मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, इस्लाम में इक्वालिटी नहीं है, बैलेंस्ड है। इक्वालिटी नहीं है, बैलेंस्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि मिसाल के तौर पे एक तराजू है, एक जगह पर मैं अगर एक किलो का वेट रख दूं और दूसरी जगह पर आधा आधा किलो के दो रख दूं, तो बताओ वजन तो बराबर है ना भाई, एक जगह पर 1 किलो का है, एक जगह पर आधा आधा किलो के दो रख दिए, लेकिन क्या रखने का स्टाइल सेम है? नहीं, वजन बराबर है लेकिन स्टाइल क्या है? डिफरेंट। तराजू बिल्कुल बैलेंस होगा। इसी तरह से अल्लाह पाक ने क्या किया है, कहीं पर मर्द को आगे रखा, कहीं पर औरत को आगे रखा। मैं आपको इसकी मिसाल यूं देता हूँ, जैसे कि आप जानते हो कि एक मरतबा एक शख्स आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और फरमाया मुझ पर सबसे ज्यादा किसका है? फरमाया तेरी माँ का। सेकेंड टाइम पूछा, सेकेंड टाइम दोबारा ये जवाब मिला तेरी माँ का। थर्ड टाइम पूछने में दोबारा ये जवाब मिला तेरी माँ का। और फोर्थ टाइम पूछने में जवाब मिला तेरे बाप का। मतलब अल्लाह पाक ने इसमें औरत को आगे रखा, ठीक है। और इसी तरह से शायद अगर आप किसी करीबी रिश्तेदार की कजन वगैरह की शादी में गए हो तो आपको अंदाजा होगा कि जब निकाह होता है तो निकाह के वक्त गवाहों की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब गवाही की बात की जाए, अगर एक मर्द गवाही देगा तो वो पूरी एक कंप्लीट गवाही मानी जाएगी। मतलब कि वन मैन इज इक्वल टू वन विटनेस, वन मैन इज इक्वल टू वन विटनेस, वन इक्वल टू वन, ठीक है ना। लेकिन अगर औरत गवाही देगी तो वो मानी जाएगी हाफ, मतलब 0.5। तो वन विमेन इज इक्वल टू 0.5 विटनेस। अल्लाह पाक ने मर्द की गवाही को स्ट्रॉन्ग कहा यहाँ पर, मर्द को अल्लाह पाक ने आगे रखा। और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो कभी भी हमारे पास हम ये नहीं कह सकते कि भाई दोनों को सेम होना चाहिए, दोनों को सेम रखो, दोनों को इक्वल रखो, ये मतलब ये पॉसिबल नहीं है इस तरह से, ठीक है ना। और फिर क्या कहा कि भाई इनको ओनरशिप के राइट दिए, दौलत माल दौलत के बारे में बताया गया। जैसे कि आप जानते हो हमारे पास क्या हुक्म है, हमारे पास बकायदा हुक्म किया गया है कि भाई माल दौलत जो जोड़ के नहीं रखनी, डिस्ट्रीब्यूट करो, बांटो, लोगों में बांटो, अपने पास अगर बचा बचा के रखोगे, ज़कात सदका खैरात वगैरह सब चीजें मौजूद है हमारे पास, ठीक है। बस जरा एक और पैराग्राफ पढ़ते हैं। अबरास मेरे बच्चे जरा माइक पर आओ, जल्दी से जल्दी जल्दी आओ, क्योंकि हमारे पास बेटा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास भी होगी तो मैं खत्म कर दूंगा यहाँ पर। जल्दी आओ अबरास, साथ मेरा अस्सलाम वालेकुम बच्चा। सर। वालेकुम सलाम। साथ मेरा बच्चा, अब आवाज क्लियर आ रही है बेटा? साथ बेटा आप क्लियर है? साथ आ रही इंशाल्लाह, ठीक है। अबराज बेटा माइक पर आओ, तुम आ गए ना बेटा? यहाँ से रीड यस करना सर। शुरू, यहाँ से रीड करो। बट सिंस द हिंदूज वर मच लार्जर, पढ़ो। बट सिंस द हिंदूज वर मच लार्जर इन नंबर, द मुस्लिम्स फियर्ड दैट अंडर देयर डोमिनेशन The culture of the Muslims would suffer a great setback and would perhaps be totally eclipsed. Furthermore, in a country which was on the whole backward, the Muslims economically and industrially were even more backward. It seemed certain to them that as an unalterable and perpetual minority, their economic position would grow even worse. Thus, to the Muslims in that part of the world, freedom from British rule meant practically nothing unless it meant freedom from the domination of the Hindu majority also. बस सही, रुक जाओ। अब क्या लिखा हमारे बच्चों यहाँ बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हम बात करें इसलिए तो क्योंकि हिंदुओं की तादाद जब दे वर लार्जर इन नंबर, बड़ी तादाद में थे, तो कह रहे हैं कि अगर आज़ादी मिल जाती, अगर ये अंग्रेज यही डिसाइड करते कि नहीं भाई दो मुल्क नहीं बनेंगे, एक ही मुल्क बनेगा, सारे के सारे मिलजुल के रहो, कह रहे हैं अगर ये होता तो उसका असर क्या होता कि डोमिनेशन से अगर हिंदुओं की होती उनकी हुकूमत बनती तो जाहिर सी बात है वो अपने लोगों का अलग से ध्यान रखते, खास ख्याल रखते, उनको अलग से उनकी केयर करते। कह रहे हैं अगर ये होता ना तो इससे असर क्या होता कि हमारा कल्चर, हमारी जो है ना, हम लोग दब के रह जाते, बिल्कुल ही दब जाते, ठीक है। आप मेरे बच्चों आजकल देख लो वहां पर मुसलमानों के हालात क्या है, आए दिन खबरें आ रही होती हैं कि यहाँ पर ये कर दिया, मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है।
कर करा के ना जाने क्या क्या सुनने को आ रहा होता है वहां पर, ठीक है ना। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अब आप इससे आइडिया कर लीजिए कि मुस्लिम्स की जो हालत ऑलरेडी खराब थी, तो ये तो अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में अंग्रेज जब डोमिनेट कर रहे थे, अगर हिंदू डोमिनेट कर रहे होते तो कह रहे हैं कि फिर तो तबाही हो चुकी होती। इसीलिए आगे सर उन्होंने बात कही क्या कि भाई इस बात को ध्यान में रखो कि मुसलमानों के लिए अंग्रेजों से आजादी का कोई तुक नहीं बनता था तब तक जब तक इनको हिंदुओं से भी आजादी ना मिल जाती, ठीक है। कह रहे हैं अंग्रेजों से आजादी नहीं चाहिए थी, हिंदुओं से भी चाहिए थी, साथ रहना ही नहीं था हमने लोगों के। तो मेरे बच्चों यहाँ पे हम जरा आज का लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह दोबारा कंटिन्यू करेंगे। आपका बेटा कोई भी सवाल है यू आर मोस्ट वेलकम, मुझसे पूछो, बार बार पूछो। लेकिन अगर कोई सवाल नहीं है, सब क्लियर है, तो काइंडली जरा चैट पे मुझे बता दीजिए ऑल क्लियर इतना लिख के भेज दो। अगर सवाल पूछना है पूछ लो, नहीं पूछना काइंडली बेटा चैट पे बता दो ऑल क्लियर, ताकि फिर हम जरा लेक्चर को खत्म करते हैं। सब बच्चे सब के सब, दो तीन को नहीं कहा मैंने, सबको बोल रहा हूं मैं। जाहिद बेटा समझ में आ गया? जाहिद, हाँ शाबाश 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 शाबाश। नहीं मुजाहिद बेटा, जैसे कि आप मुजाहिद तुम जरा बोलो, तुम्हारी आवाज आई कि मुझको, तुम बोलो बोलो, मेरी आवाज आ रही है, तुम बोलो जरा जाहिद। बस सही है, अरे मेरे बच्चों जबरदस्त जबरदस्त। तो बेटा वही ये मजबूरी है, अभी हम लोग को इस तरह पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं सबसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सब के सब टाइम पर आया करोगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। देखो जब ये हालात जिस तरह के बेटा, उस तरह से पढ़ना पड़ेगा, हम कुछ कर नहीं सकते, बीच में छोड़ने की बेवकूफी नहीं करना, सब के सब बच्चे मुझे टाइम पर चाहिए, ठीक है ना। कोई मसला हो कुछ भी हो मुझे बताओगे पहले, बात समझ में आ गई? चलो मेरे बच्चों ठीक है, अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह तआला बेटा आप लोगों की शायद नेक्स्ट क्लास थोड़ी देर में शुरू होने वाली होगी, तो हम क्लास का क्लैश ना हो जाए, ठीक है। अब जरा यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं, ओके भाई। चलो मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।